मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस चेन सर्विस फोर्स, क्योंकि तो पिछले कई सालों से अगर आप चेक करेंगे तो सारी इंडस्ट्रीज में चेंज आया है कुछ ना कुछ, वेदर इट इज बैंकिंग इंडस्ट्री और एनी अदर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, मॉल्स और एनीथिंग, सभी इंडस्ट्री में चेंज आया है, कुछ रिवोल्यूशन आया है, नई टेक्नोलॉजी, नया अपग्रेडेशन, राइट। बट टू व्हीलर इंडस्ट्री पिछले 20-25 सालों से ऐसे ही चल रही थी, मतलब दो ही ऑप्शन है लोगों के पास। नेक्स्ट प्लीज। एक तो आपको एज अ कस्टमर, अगर आपके पास व्हीकल है तो आपको कहीं डीलर के वर्कशॉप पे जाना होगा, उसमें भी क्या है, एक घर में अगर 3-4 अलग अलग कंपनी के व्हीकल है, 2 अलग कंपनी के व्हीकल है, तो अलग अलग डीलर्स के पास जाना पड़ता है, वहां पे टाइम देना पड़ता है, लंबी क्यू भी रहती है कभी कभी, और हेवी चार्जेस वगैरह की वजह से फिर लोग अपने हिसाब से लोकल गैरेज में स्विच ओवर हो जाते हैं। मतलब लोकल गैरेज तो वहां पे भी अनप्रोफेशनल अप्रोच है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन मैन शो है, पुअर हाउस कीपिंग, स्पेशल टूल्स के अभाव है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो मार्केट में है इसके बीच का कोई सॉल्यूशंस है जो हमने लाया। इसीलिए मैंने कहा कि टू व्हीलर्स में सर्विस फोर्स ने रिवोल्यूशन क्रिएट किया है। पिछले 10 साल से ये कंपनी ने ये मार्केट में एडिशनल फैसिलिटीज, वैल्यू एडिशनल फैसिलिटीज दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी कंपनी आपको घर बैठे सर्विस देती है, एज ए कस्टमर्स आपको घर बैठे सर्विस मिल जाएगी, इंक्लूडिंग रिपेयरिंग, वॉशिंग, पीयूसी, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल चेंज, एवरीथिंग। आपको एक ही जगह पे सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। मतलब अगर सपोज कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाता है आपका व्हीकल, तो वहां पे आके हम आपको रिपेयर करके देते हैं। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका क्लेम पास कराने की प्रोसेस से लेके रिपेयरिंग वगैरह सब हम ही करवा के देते हैं, ठीक है। फिर स्पेयर पार्ट्स, सर्विस के दौरान जो भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें भी जेन्युइन स्पेयर्स यूज होता है और आपको डिस्काउंट्स मिलता है, और सर्विस के रिमाइंडर्स भी हम ही देते हैं। मतलब आजकल नहीं रहता है ध्यान में कि कहाँ से कब हमने सर्विस करवाया था, कब टाइम हो गया है, इंश्योरेंस कब खत्म हो जाता है, तो ये सारे रिमाइंडर्स भी हम ही आपको प्रोवाइड करते हैं। पीयूसी जैसा छोटा पार्ट भी हम केयर लेते हैं एज अ कस्टमर, और ये सारी फैसिलिटीज आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी रजिस्टर करा सकते हैं अपना व्हीकल, या तो हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1234-108, उसके ऊपर भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर भी देखिए 1208 है लास्ट, मतलब कि हम ये कहते हैं कि हम ऑटोमोबाइल क्लिनिक, टू व्हीलर्स की इमरजेंसी हेल्पलाइन है, कहीं पे भी टू व्हीलर्स आपका ब्रेक डाउन होता है आप हमें कॉल करें। ये सारी सर्विसेज का मार्केट में पोटेंशियल क्या है? नेक्स्ट प्लीज। पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स, राइट, इन द वर्ल्ड। और पिछले कई सालों से इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में स्पेक्टिक्युलरली ग्रोथ आया है। आप मतलब हर दिन नए व्हीकल्स मार्केट में रोड पे नए नए आ रहे हैं, और पुराने जो व्हीकल्स है वो तो है ही है, तो इसका जो फ्लो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज आप चेक करेंगे तो पर पर्सन लोगों के पास एक व्हीकल है, ठीक है, एक एक घर में कितने व्हीकल्स, जिनके घर में 4 व्हीलर्स है वहां पे भी 2 व्हीलर्स है, क्योंकि मार्केट में कहीं पे पार्किंग की परेशानी रहती है, कई एरियाज में 2 व्हीलर्स ही लेके जाना पड़ता है, और मार्केट में अफोर्ड भी, लोग अभी इजी ये लोन्स वगैरह इतना इजी हो गया है कि लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, तो इस सारी चीजों की वजह से सभी लोगों के पास 2 व्हीलर्स है। तो ये 2 व्हीलर्स जो भी है वो कहीं ना कहीं पे तो सर्विस के लिए जाना ही है। अगर एवरेज साल की 4 सर्विस लेते हैं तो आप एज्यूम करें मार्केट में कितना सर्विस होगा। इसमें मैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूं तो सर्विस फोर्स 2011 से शुरू है, एक छोटे से ऑफिस और छोटे से खुद के वर्कशॉप से हमने शुरू किया था। हम नए नए इसमें प्रोसेस डालते गए, इम्प्लीमेंटेशन किया, मार्केट को एक नया फैसिलिटीज एडवांसमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर हमने एक्सपांशन धीरे धीरे किया और सिटीज में, फिर स्टेट वाइज, तो हम सारे मार्केट जो है
सारे मार्केट्स की एक्सपीरियंस लेते गए और उस हिसाब से मार्केट में हमारा स्प्रेड किया। तो ये कंपनी अभी फिलहाल 200 से ज्यादा आउटलेट्स है पैन इंडिया। इवन उस हिसाब से हमारी टीम भी बहुत बड़ी है, पायोनियर है इस टाइप की सर्विसेज की। एक कॉल पे आपको सर्विस मिल जाएगी। हमारी ब्रांड की जो कोर वैल्यू है वो है ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बेस, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, इसी के ऊपर चलती है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। सर्विस फोर्स के एक्रीडिएशन की अगर हम बात करें तो 2012 में बीबीसी ने वर्ल्ड वाइड इसको ब्रॉडकास्टिंग किया था। 2015 में सीएनबीसी आवाज ने भी अवार्ड दिया। देन बिजनेस स्टैंडर्ड केस स्टडी रजिस्टर है बिजनेस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। तो ये सारे क्रीडेंशियल्स और एक्रीडिएशन की वजह से फिर इंडियन ऑयल जैसी ब्रांड ने भी हमें वेलकम किया। नेक्स्ट, 2017 में इंडियन ऑयल ने सर्विस फोर्स को वेलकम किया अपने प्लेटफॉर्म पे। मतलब इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के अंदर भी आप ये बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है उसका कस्टमर वॉकिंग्स। मतलब पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहां पे सामने से लोग आ रहे, 2000 से लेके 12000 20000 जैसा लोकेशन, तो उतने जो व्हीकल के फ्लोज है सभी को कहीं ना कहीं पे तो सर्विस की रिक्वायरमेंट है ही। तो वहीं पे अगर अच्छी ब्रांड की अच्छी सर्विस मिलती है तो लोग उन्हीं उतने फ्लो में से दिन की 10 12 15 कितनी सर्विस चाहिए 20 हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। दूसरा, इंडियन ऑयल जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो कई क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, जैसे टाइम रिलेटेड कि आप 24/7 भी वर्कशॉप शुरू रख सकते हैं। दूसरा, लॉकडाउन फेज में भी कहीं पे पेट्रोल पंप चालू थे तो हमारे स्टेशन भी चालू थे। फिर ब्रांड ने आज 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीज की अमाउंट इन्वेस्ट करने से इंडियन ऑयल का ब्रांड मिलता है जो कि आप वहां पे यूज करते हैं सर्विसेज के लिए, तो ये भी मार्केट को ट्रस्ट देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो कि आप भी इसका फायदा लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। इसकी और भी दूसरा मॉडल भी है। मतलब एक तो आप इंडियन ऑयल के पंप के अंदर ये बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा आप कहीं मार्केट प्लेस में भी कर सकते हैं। मतलब अगर बाजार ट्रेड में मार्केट में आपके पास अपनी खुद की प्लेस है या तो रेंट पे लेके जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता हो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पोश एरिया की रिक्वायरमेंट है, बट ये थोड़ा रेसिडेंशियल एरिया हो या तो सेमी कमर्शियल एरिया हो, उस वहां पे भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उसमें एवरेज 400 to 500 square feet की जगह की रिक्वायरमेंट है। और जो प्रोफाइल हमें चाहिए, जो फ्रेंचाइजी हमें चाहिए, वो ऐसा कि जिनका इंटरेस्ट हो सर्विस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कस्टमर कनेक्टिविटी का बिजनेस है। तो कस्टमर कनेक्टिविटी के लिए डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन बिजनेस का पैशन होना चाहिए। तो ऐसा बिजनेस मैन की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए ये मॉडल जो भी है इसका इन्वेस्टमेंट 8 लाख से शुरू होता है अप टू 13 लैक्स तक, अलग अलग मॉडल के ऊपर है। और कंपनी सपोर्ट्स, क्या क्या सपोर्ट्स देती है, कोई भी बिजनेस है उसमें मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स मतलब मटेरियल्स जो भी है वो तो है ही, मटेरियल्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या सर्विसेज है, कैसे चलाना है बिजनेस को, क्या ट्रेनिंग है, क्या वैल्यू एडिशनल प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोई भी बिजनेस के लिए मशीन टूल्स तो आप भी बाहर से ले लेंगे, हम भी वेंडर के पास से ही लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस परफॉर्म कैसे करता है, उसको डेवलप कैसे किया जाता है, तो ये सर्विस फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो सपोर्ट्स में हम मशीन टूल्स मतलब सर्विस के लिए जो भी मशीनरीज चाहिए लाइक हाइड्रोलिक लिफ्ट, न्यूमेटिक टूल्स, बैटरी चार्जर, टेस्टर, वॉशिंग पंप, कंप्रेशर, ठीक है, ये सारी चीजें तो हम देते ही है। प्लस उसके साथ साथ, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, कंपनी सपोर्ट्स, यस। तो इसके साथ साथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, सेफ्टी
सीसीटीवी कैमरास भी हम ही आपको इंस्टॉल करके देते हैं, फिर ब्रांडिंग फ्रंट फेस या एलईडी बोर्ड, इन शॉप आउटडोर ब्रांडिंग, देन स्टेशनरी, बहुत सारी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि स्टिकर, जॉब कार्ड, इनवॉइस बुक, विजिटिंग कार्ड, फिर डिपेंड्स ऑन द यू नो कैंपियंस एंड ऑल, पैम्पलेट्स, कैनोपीज, सो ऐसा मार्केटिंग मटेरियल। रिक्रूटमेंट, मैन पावर का रिक्रूटमेंट, जो टेक्नीशियंस चाहिए वो भी हम ही रिक्रूट करके देते हैं, उनको ट्रेनिंग, ड्रेस कोड, आई कार्ड से लेके ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है। फिर बिजनेस ओनर की ट्रेनिंग, आपको क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, तो ये सारा प्रोसेस ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फिर डेफिनेटली मार्केट अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्निकली अपडेट मतलब टेक्निकली साउंड होना चाहिए, तो उसके हमारे CRM, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी फैसिलिटीज भी हम देते हैं। फिर विजिट्स एंड ऑडिट है, हमारी टीम का ऑडिट विजिट वगैरह रहता है। कस्टमर केयर का असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं कि आपके वहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको डेली के फीडबैक कॉल्स, फॉलो अप कॉल्स, रिमाइंडर कॉल्स, टेक्निकल सपोर्ट्स, अगर कहीं पे रिपेयरिंग में या तो कोई नई बाइक में, स्पोर्ट बाइक में कहीं पे लाइव टेक्निकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज भी हम करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडिया है। इनिशियली हमारी टीम आके 1-to-1 कस्टमर्स को मिलके बिजनेस प्रमोट करते हैं, फिर डिपेंड करता है लोकेशन, सिचुएशन और फ्लो के हिसाब से कौन सा मीडिया चूज किया जाएगा, डिजिटल मीडिया, लीड जनरेशन एक्टिविटीज वगैरह। ठीक है, ये सारा मॉडल तो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इनकम क्या है? तो इनकम इस ऐसे है कि इसमें दो तरीके की इनकम है, एक तो डायरेक्ट इनकम और एक्स्ट्रा इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब आपकी जो व्हीकल आ रहा है आपके वहां पे सर्विस, स्पेयर्स और ल्यूब मतलब की ऑयल, तीन तरीके की इनकम है। सर्विस जो भी है उसमें 100% इनकम है। स्पेयर पार्ट्स, सर्विस के दौरान जो भी स्पेयर पार्ट यूज होता है जैसे फिल्टर्स, केबल्स, ब्रेक शू, बैटरीज, या तो बड़ा इंजन का काम रहता है तो उसमें ज्यादा पार्ट्स भी यूज होते हैं, तो ये सारी स्पेयर पार्ट्स के ऊपर भी आपको एवरेज 35-40% के मार्जिन है। ठीक है, फिर ल्यूब, ल्यूब में भी सेम, यहाँ पे मैंने मिनिमम मार्जिन दिखाया है 30%, लेकिन ऑन एन एवरेज एक व्हीकल आपको अगर 900 से 1000 रुपए देके जाता है तो उसका 50% ग्रॉस इनकम रहता है, तो वो 1.5 लाख रुपीज हुआ। ठीक है, महीने का उस हिसाब से वो, और एक्स्ट्रा इनकम भी है जैसे कि एनुअल पैकेजेस है, फिर स्क्रैप मतलब कि कोई कस्टमर्स है तो हर कोई कस्टमर अपने स्पेयर पार्ट्स जो पुराने हैं वो वापस लेके नहीं जाते। हाँ हम देते जरूर है, बट नॉर्मली लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं इसकी क्या जरूरत है, तो वो भी एक सालाना बड़ी अमाउंट रहती है स्क्रैप और ब्लैक ऑयल की, तो ये सारे एक्स्ट्रा इनकम भी है। एक्सपेंसेस की बात करें तो मेजरली जो है वो रेंट और सैलरी का है, हमने यहाँ पे हायर साइड एक्सपेंसेस दिखाए है। सैलरी इनिशियली 3 लोग की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 से 3 लोग, 2 मैकेनिक मतलब टेक्नीशियंस और 1 हेल्पर, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, एम्प्लॉयज के इंसेंटिव्स, मंथली रॉयल्टी कंपनी की, कंपनी आपसे सिर्फ 5,000 रुपीज महीने की रॉयल्टी लेती है, उसके सामने आपको कस्टमर केयर के सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है जो भी मैंने बताया, डेली के फीडबैक कॉल्स, देन रिमाइंडर कॉल्स वगैरह, इंक्वायरी आपको ट्रांसफर करना, लीड जनरेशन एक्टिविटीज के ऊपर काम करना, तो ये सारी फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे इस हिसाब से अगर दिन के 10 व्हीकल आप आते हैं तो ऑन एन एवरेज आप साल के 11 से 12 लाख रुपए मतलब 80-90 हजार महीने की इनकम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये बिजनेस में सर्विस फोर्स को क्यों चूज करें आप? तो सबसे पहला रीजन है कि पिछले जो 10 साल की लेगेसी हम साथ में लेके चल रहे, मतलब ऐसा नहीं आज बिजनेस में आए और कल एंटर कर दिया फ्रेंचाइजीज देना, हमने सारे इसके एक्सपीरियंस लिए मार्केट के, उस हिसाब से हमने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई, हमारी टीम बिल्ड किया, उसके ऊपर काम कर रहे, तो ये 10 साल का हमारा सक्सेस रेशियो
हमारी पैनी मतलब हर जगह पे जो फ्रेंचाइजी है वो है, फिर कंप्लीट असिस्टेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर इंडियन ऑयल के साथ मोनोपोली है, क्योंकि अगर बड़ी ब्रांड ने अपना नाम इसके साथ जोड़ा है तो उसने भी कुछ फायदा लिया होगा, उसका भी कुछ उसने भी चेक किया होगा इस कंपनी के बारे में, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट रहेगा। फिर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कैश का बिजनेस है, डेली कैश कलेक्शन आपके हाथ में रहता है, कोई क्रेडिट देना नहीं पड़ता है, तो ये एक रिसेशन फ्री बिजनेस भी आप कह सकते हैं। देन महीने की जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्शंस देखे, महीने की आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम कर सकते हैं। यस, उसमें ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे आउटलेट्स है जो कि महीने के 25 से ज्यादा व्हीकल की सर्विस करते हैं, व्हीकल आते हैं, तो उनके एवरेज इनकम महीने की 2-2.5 लाख से ज्यादा भी है, ऐसे भी कई आउटलेट्स है। तो ये ट्रिमेंडियस जो ग्रोथ स्टोरी स्टोरी है और स्मॉल इन्वेस्टमेंट पे बड़ा रिटर्न मिल रहा है, तो ये सारे की फैक्टर्स है इस बिजनेस के। नेक्स्ट प्लीज। फिर ये प्रेस रिलीज, मतलब आप मार्केट में और भी लोगों ने हमारे बारे में बोला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ। नेक्स्ट, ये ट्रेनिंग के कुछ फोटोग्राफ्स है, हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग भी रहती है, गेट टुगेदर भी रहता है कहीं पे भी, तो प्रैक्टिकली भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, अभी सारे ये पिक्स आ रहे हैं, मतलब आउटलेट्स कैसा दिखेगा अंदर से, ये कुछ आउटलेट्स के स्नैप्स है, अंदर का चेक करेंगे, रैम्प्स वगैरह सब लगा हुआ है। नेक्स्ट, आउटडोर है, एलईडी बोर्ड फ्रंट फेस या मतलब इस हिसाब से एलईडी बोर्ड वगैरह लगता है। नेक्स्ट, ओपनिंग सेरेमनीज, मतलब उसमें भी हम गेट टुगेदर एक अच्छा करते हैं, कंपनी की टीम वहां पे रहती है, तो ये सारे ओपनिंग सेरेमनीज है। फिर एग्जीबिशन कैंप्स और एक्टिविटीज जो हम करते हैं, जैसे फ्री चेकअप कैंप्स है या तो कैनोपी है, तो के प्रमोशन जहाँ पे मल्टीपल जो लोकेशन पे कोई बड़ा सिटी है या तो सिटी लेवल पे अगर मल्टीपल आउटलेट्स है, तो FM वगैरह के भी प्रमोशन हम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, फिर कई सिटी में होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं। नेक्स्ट, वो डिपेंड करता है लोकेशन सिचुएशन कैसा यहाँ का मार्केट है, उसके बेस पे सर्वे करते हम करके आगे का मीडिया चूज करते हैं। नेक्स्ट, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी हम करते हैं, जैसे कि आपकी टीम हो टेक्नीशियंस, तो उनका भी गेट टुगेदर वगैरह रखते हैं, उनको सर्टिफिकेशन मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी रहते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिमोनियल, हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के टेस्टिमोनियल्स तो आप हमसे लेंगे ही, जैसे सूरत, बड़ौदा, मुंबई, हैदराबाद, कहीं पे भी, लेकिन इंडियन ऑयल के 7 डायरेक्टर्स ने भी ये कंपनी को रिकमेंड किया है, तो ये भी एक आप अचीवमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजी प्रोसेस फ्लो, तो इनिशियली आपको अगर ये बिजनेस में जाना है तो पहले चूज करना है कौन से मॉडल में जाना है, स्टैंड अलोन की IOCL, उसके बेस पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, उसके साथ KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। फिर लोकेशन, आपका लोकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, इज इट फिजिबल और नॉट, मतलब अगर उसका एक रिपोर्ट बनता है, लोकेशन ओके है, तो ही आगे जाके प्रोसेस होता है, फिर उसका LOI बनता है, फिर वहाँ का लेआउट डिजाइन होता है कि कहाँ पे क्या रहेगा, फिर एग्रीमेंट के टाइम पे बाकी का रिमेनिंग पेमेंट करना है, बिजनेस की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है, फिर मशीन इंस्टॉलेशन, ये सारा प्रोसेस हो जाता है, मैन पावर रिक्रूटमेंट, और फाइनली टेस्ट एंड रन लेके बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये प्रोसेस है, इससे ज्यादा और भी आप 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं ज्यादा क्वेश्चंस या तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अशोक जी एंड एवरीवन, नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन।